दूसरी बात कौन सी करेंगे अपने साथ सुरेश भाई? शाबाशी तो हो गई पूरी, और कोई नहीं बोलना। हाँ जी, देखो कहते हैं भाई साहब मेरे बॉस ने मुझे 6 महीने पहले बात कही थी, वो मेरे सीने के आर पार हो गई है। मेरे को दिखाओ कान, कहीं नहीं है। और यहां 5 मिनट पहले मैंने बताया। देखो कपूर साहब आज मैं टीचर बन गया हूं, बताइए दूसरी बात कौन सी करेंगे सेल्फ डायलॉग अपने साथ? आपसे नहीं पूछा प्लीज अनुशासन। नहीं, आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दूसरी बात कौन सी करेंगे? आई एम ओके। मुझे अपने मन को कन्विंस करना है कि मैं बीमार नहीं हूं। बीमारी कब आई दोस्तों? बीमारी कब आई? आप किसी क्लब में गए, शादी में गए, पार्टी में गए, और किसी सामने वाले ने बोल दिया, ओह मिसेस कपूर आपका चेहरा तो बड़ा कमजोर लग रहा है, बस तुरंत बीमार पड़े। प्लीज डोंट माइंड, राइट? तो हमने सामने से नेगेटिव एनर्जी आई और मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बीमार पड़ गया। लेकिन आज से मुझे क्या करना है? मुझे अपने मन को कन्विंस करना है आई एम ओके, बीमार नहीं हूं। सेल्फ डायलॉग में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अपने साथ करने वाले हैं। इसको मेडिकल साइंस कहती है फेथ हीलिंग। मेडिकल साइंस क्या कहती है इसको? आस्था से उपचार। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने मन को कन्विंस कर ले कि मैं ओके हूं। कानपुर शहर शास्त्री नगर का एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं राजेश भाई? कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल के डॉक्टर, ओके? और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट। ध्यान से सुनना, शास्त्री नगर कानपुर के बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल के डॉक्टर, और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट दोनों मूवी देखने। दोनों कहां चले गए? कहां चले गए? मूवी देखने चले गए। मूवी वाज ऑन, they were enjoying movie like anything. तो पत्नी ने कहा सुनिए डॉक्टर साहब, ने कहा सुनाइए, कहते मुझे सीने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे पास दवाई है, आप ये गोली अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो मैडम मैं तो ठीक हूं, आई एम ओके। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। ताली बजाएं प्लीज। दोस्तों इस घटना से हमने क्या सीखा? क्या सीखा हमने? आप हर बीमारी का उपचार आपका यहां है, लेकिन बीमारी क्यों आती है? व्हेन यू एक्सेप्ट मैं बीमार हूं, तो फिर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। दवाइयां तो बहुत थोड़ा सा काम करती है, दवाइयों का काम बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा काम दुआएं करती हैं। तो आज से हम क्या करेंगे शिप्रा जी? तो मुस्कुराइए तो सही प्लीज। आज से हम क्या करेंगे? हम पैसा भी कमाएंगे और हम पुण्य भी कमाएंगे। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पुण्य कोई कोई कमाता है, और जो पुण्य कमाता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है, उसके चेहरे का ग्लो बढ़ता ही जाता है। मैं 2 हफ्ते पहले माउंट आबू गया, दादी जानकी जी से मिला, 102 साल की आयु दादी जी की, और चेहरा उनका ऐसा चमक रहा है कि आप चाहें तो अपना चेहरा उनके चेहरे में देख सकते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाई। कहां से ग्लो आया राजेश भाई? थोड़ा मुस्कुराइए तो सही प्लीज। कहां से ग्लो आया? क्योंकि दादी जी का हाथ ऐसे है, या तो उनका हाथ ऐसे है। तो आज से हमें क्या करना है पीयूष भाई?
सबको निपट के पेश खड़े होने की जरूरत नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दीजिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जिंदगी नहीं है, वो इस देश की संस्कृति नहीं है। आज हम सेल्फ सेंटर्ड बन गए, अपने लिए ले लो ले लो ले लो, फिर क्या करेंगे उसको बताइए, क्या करेंगे लेकर के? मनी हैज विंग्स, धन कभी किसी के पास रहा ही नहीं, उसको फ्लो करना ही पड़ेगा आपको। तो आज से मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मेरे पास आएगा मुझे उसको कुछ देना है। और मुझे पता लगा है कानपुर में किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, सब यहां करोड़पति है, आप सब भी करोड़पति हैं, ताली बजाए अपने लिए। आप ताली हल्की बजा रहे हैं, आज यहां किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो कपूर साहब क्या देंगे आप सबको? देखिए आप यहां से बाहर निकले, आप कोई टेंशन में हैं, आप कोई प्रॉब्लम में हैं, आप कोई समस्या में हैं, आपने एक छोटा बच्चा देखा और वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो जैसे ही मुस्कुराते हुए बच्चे को आपने देखा, कपूर साहब आपको क्या हुआ? उतने समय के लिए मैं अपनी टेंशन को, ताली बजाइए प्लीज। छोटे बच्चे ने मुझे क्या दिया? सुरेश भाई मुस्कुराहट। और मुझे देख करके सामने वाले को क्या होता है पता नहीं, बॉस का मूड कैसा है, घर में पत्नी कहती है पता नहीं बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, भाई मेरा मूड कैसा होना चाहिए? ऑलवेज स्माइलिंग, प्रॉब्लम्स कम प्रॉब्लम्स गो। कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, यस और नो? इसलिए परमानेंट क्या होनी चाहिए? माय स्माइल। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। ताली बजाइए प्लीज। आज हम क्या करेंगे? छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार स्माइल करता है। राजेश भाई आप अभी भी स्माइल नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? आज हम क्या करेंगे? आज हम क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए मेरी स्माइल मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ईगो दिस इज स्माइल और स्ट्रेस। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो फिर चेहरे पर तनाव है, क्या पसंद बताइए? तो मुस्कुराएंगे, बस बात बन गई।